दिल्ली एनसीआर में रविवार की शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस दौरान लोग घरों से बाहर निकल गए हैं। रविवार की शाम को यह भूकंप करीब 5:46 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आईएमडी के अनुसार पूर्वी दिल्ली में भूकंप रिक्टर पैमाने पर 3.5 मापा गया है। आईएमडी ने बताया कि इस भूकंप का केंद्र पूर्वी दिल्ली में था, इस कारण दिल्ली में यह ज़्यादा महसूस किया गया है। इससे पहले 20 दिसंबर 2019 को दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार कहीं किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि भूकंप के झटके बाद लोग डर और भय से घरों से बाहर निकल गए। इधर भूकंप के झटके महसूस होते ही ऑफिस में काम करने वाले लोग अपने कार्यस्थल से बाहर आ गए। यह क्षेत्र हिमालय के काफ़ी करीब है। बता दें कि पूरे देश में लॉकडाउन है, लोग अपने अपने घरों में हैं। ऐसे में सभी भूकंप के झटके महसूस होते ही तुरंत बाहर निकल गए। हालांकि एक अच्छी बात यह रही कि इस दौरान भी लोग बाहर निकलकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बखूबी करते दिखे हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह भूकंप के झटके को 4.1 बताया जा रहा था। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।